All set. कथा सब रेडी है, डॉक्टर्स भी आ गए हैं, और इससे पहले कि हम आरफ को ले जाए, मैं तुम्हें आरफ के डोनर से मिलाना चाहता हूँ. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सो दिस इज द पेशेंट. यस आई सी द रिपोर्ट्स आर परफेक्ट. गुड सिस्टर, ऑपरेशन की तैयारी करो, हम अभी इसी वक्त इसका ऑपरेशन यहाँ करेंगे. डॉक्टर अमित, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है. इस बच्चे की जो डोनर थी ना, वो आ नहीं पाई है. तो मैं सोच रही थी कि जो पास में जानवर का हॉस्पिटल है, वहाँ से जानवर का बोन मैरो मंगवा लेते हैं. आई थिंक कुत्ते का ठीक रहेगा. परफेक्ट. या फिर पिग. सुअर. नहीं, छोटा हो जाएगा. हाउ अबाउट भैंस, बिग एंड स्ट्रॉन्ग. मंकी. मंकी का चलेगा. गुड चॉइस. मंकी की तरह तेज और फुर्तीले बनोगे. हम डन. डॉक्टर, मंकी का बोन मैरो मंगवाया जाए. श्योर. और सिस्टर, कटर और फावड़ा मंगवाया जाए. फावड़ा क्यों? ऑपरेशन के लिए बेटा. पर डॉक्टर अंकल ने बोला था दर्द नहीं होगा. अच्छा, तो शायद नहीं होता होगा. बेटा, मैं तो नई नई डॉक्टर बनी हूँ, तुम मेरे फर्स्ट पेशेंट हो. देखते हैं क्या होता है. उनसे बात करिए, ये मेरी मम्मा है. मम्मा बोलिए. अब आप डॉक्टर हैं, आप जो बोलें. वैसे मेरा बेटा बहुत ब्रेव है. परफेक्ट. ब्रेव बेटा, ब्रेव माँ. शुरू करते हैं ऑपरेशन यहाँ. चलिए सिस्टर, जाइए और कटर और फावड़ा लेकर आइए. शुरू करें बेटा. रेडी माय ब्रेव बॉय. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Mircha, Aarav ki donor. Happy birthday to you. Sorry beta. Bandar nahi aaya, lekin tumhara popat ho gaya. Aur tum iski sagi maa ho kya? Kya sangdil aurat ho? Apne sage bete ke sath koi aisa karta hai kya? God bless you. Brave woman. Katha item kaun che? Mircha ji. Donor. Haan. To aap doctor nahi ho? Main koi doctor nahi hu. Donor hu, donor. Tumhari donor. Dekho, main yahan aayi thi check karne ke liye ki main jis aadmi ko apna bone marrow de rahi hu, wo uske layak hai bhi ya nahi. First, I'm not aadmi. I'm boy. तो ठीक है ना, मेरा बोन मैरो मिलने के बाद ये गारंटी तो हो गई ना कि तुम बड़े होके बड़े आदमी बनोगे, राइट? हाँ? और आप लोग भी चिंता मत कीजिए, ये सर्जरी एकदम परफेक्ट होगी. क्यों? क्योंकि हम दोनों एकदम परफेक्ट मैच है. बिल्कुल एक दूसरे की तरह, बिल्कुल हसमुख. सेम इंच. सॉरी. लेकिन आज तो मेरा बर्थडे नहीं है. अरे आज से है ना. सर्जरी के बाद तुम्हें नई लाइफ जो मिलने वाली है. चलो उठो उठो और केक काटो, सबको खिलाओ. लेकिन तुम नहीं खाओगे. मैं नहीं खाऊंगा तो क्या मजा? देखो, तुम सबको एक एक पीस खिलाओगे, और जब तुम ठीक हो जाओगे तो हर कोई तुम्हें एक एक केक लाके देगा, गिल्ट के मारे. यू गेट इट? गुड आइडिया ना. ब्लो करो, ब्लो. मम्मा, अरे भाई आइए, जरा केक काटिए और सबको खिलाइए. चलो यार. थैंक यू आंटी फॉर सो मैनी बलून्स. हाँ बेटा, ये बलून्स है ना, हमारे लिए रिमाइंडर है कि हमें उड़ने के लिए पंख की जरूरत नहीं पड़ती है. अब पूछो कैसे. देखो,
बॉडी में ना कोई ऑर्गन भारी नहीं होता है, पता है किसका वेट होता है? ये दिमाग में जो टेंशन होता है ना उसका होता है। अरे निकाल फेंको इस टेंशन को और बलून की तरह उड़ते फिरो खुले आकाश में। वाओ आंटी, यू आर सो कूल। वो तो मैं हूँ। नीरजा जी, हाँ कथा, मुझे पता है कि तुम्हारे भाग खुल गए हैं कि मुझ जैसी देवी आई है तुम्हारे बेटे की रक्षा के लिए। I know, I am God sent. वो तो है, लेकिन एक बात और, आप बहुत प्यारी हैं। वो तो मैं हूँ ही। Thank you so much. ये भरत मिलाप खत्म करें, क्योंकि कथा इनकी बातें कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन ये जो ट्रांसप्लांट है ना, ये हमें आज ही करना है। और हाँ नकली डॉक्टर, आपके भी बहुत सारे टेस्ट करने हैं और आपका रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। चलो। टेस्ट? मतलब कि इंजेक्शंस और पाइप्स। राइट। सॉरी, मैं कोई टेस्ट नहीं करवा रही हूँ, कोई इंजेक्शन नहीं लगवा रही हूँ, आई एम डन, बिल्कुल नहीं। और हाँ, जब प्रोसीजर हो रहा है तो मैं कान में म्यूजिक लगा के लेटी रहूंगी, चलेगा तो ही मैं करवाऊंगी, वरना नहीं। कथा ने सर्जरी के पैसे इकट्ठे कर लिए? कमाल है वो लड़की, लेकिन इतने सारे पैसे वो लाई कहां से? अब आपको क्या हुआ, आप क्यों परेशान है? आपको तो खुश होना चाहिए ना। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। तुम उसके बिना जी नहीं पाओगी तो उसके साथ मर जाओ। शुक्र है हमारा आरव बच गया। अब सुनिए, पैसे देना तो एक छोटा सा काम था हमारे लिए, लेकिन अब हमें उससे भी बहुत बड़ा काम करना है। उन्हें उनके रिश्ते लौटाने हैं, आरव को दादा दादी का प्यार देना है। मैंने वो 1 करोड़ अरेंज कर लिया मिस्टर गरेवाल, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, हम दोनों जिएंगे। चलो हॉस्पिटल चले। बहुत देर हो चुकी है कविता। सब बिगड़ चुका है, ये रिश्ते अब नहीं सुधर सकते। अब तुम इस बात में अपनी खुशी ढूंढ लो कि वो बच्चा बच गया। बस सब बिगड़ गया है मतलब? आपकी क्या बात हुई है कथा से, कुछ बताएंगे आप? पिछले कुछ सालों में ना मैंने तुझसे ज्यादा नफरत किसी और से नहीं की, क्योंकि एक तू ही है जो मुझे सबसे कड़वी लेकिन ऑनेस्ट बात बोलता रहा कि कथा पैसे नहीं है और भाग और भाग। तेरा रियलिटी चेक और नंबर्स ना धक्का मार के मुझे एंड लाइन तक पुश करते ही रहे। कथा नंबर्स ना कभी झूठ नहीं बोलते और ना झूठी उम्मीद देते हैं। एंड बाय द वे, तेरे नंबर्स के हिसाब से ना मुझे एक नया गोल दिख रहा है। देखा, फिर ले आया ना जमीन पे, अभी अभी तो उड़ रही थी यार खुशी से मैं। बोल क्या हुआ? कथा इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, लेकिन तूने जमीन आसमान एक करके आराम का इलाज कराया उसको एक सपने से भरी लाइफ देने के लिए, राइट? तो निकालना अपना ड्रीम्स वाला फोल्डर, अरे करते ना सारे सपने पूरे। ओह यस, एक सेकंड के लिए लगा था कि रेस खत्म हो गई है। रिले रेस है मैडम, 2 मिनट सांस लो और फिर से भागो। अभी देख, आरव का स्कूल, हॉबी क्लासेस, मेडिकल बिल्स, इंश्योरेंस, सबकी प्लानिंग करनी है। एंड थैंक गॉड कथा, इतनी डिफिकल्टीज के अंदर भी ना तूने अपनी जॉब संभाल के रखी। मेरा रेजिग्नेशन। कथा अब हमारे अच्छे दिन आ गए हैं, अब अच्छे से प्लान करेंगे और अच्छे से जिएंगे। अच्छा सुन, अभी ना मेरे क्लाइंट का कॉल है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? चल ध्यान रख अपना, बाय बाय। कथा, 100 साल जी होगी तुम, एक फ्रीलांस काम आया है और तुम्हारा फोन आ गया। रियली सर?
दो दिन का काम है, मना मत करना प्लीज। मैं डिटेल्स भेज रहा हूँ। ये सब वो तो मैं बिल्कुल कर दूंगी, लेकिन सर आपकी कंपनी में क्या मुझे परमानेंट जॉब मिल सकती है? पर तुम तो अर्थकॉम में हो ना? जी जी, लेकिन सब ठीक तो है ना? मैंने सुना तुम दुबई हेरिटेज प्रोजेक्ट को लीड कर रही, फिर क्या हुआ? जी जी सर, हुआ तो कुछ नहीं, बस चीजें वर्कआउट नहीं हो पा रही हैं। मतलब छोटे मोटे इश्यूज हैं, समझ लीजिए हम कंपैटिबल नहीं हैं। वाओ, साउंड लाइक यू मैरिड टू देम। सर आपकी कंपनी क्या मुझसे दूसरी शादी करेगी? अरे बाप रे, इतने बड़े घर की बहू हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे कथा। हमारा सेटअप छोटा है कथा, लेकिन अगर तुमने अर्थकॉन छोड़ने का डिसीजन ले लिया है तो पिरामिड वाले लीड डिजाइनर ढूंढ रहे हैं, उन्हें अप्रोच करो। नहीं सर, वो लोग बहुत अनएथिकल हैं। वो लोग ना बिल्डिंग्स बनाने से ज्यादा लोगों को तोड़ने मरोड़ने की स्कीम्स बनाते हैं। सब वो लोग ठीक नहीं है। वाओ, इतना हार्श ओपिनियन, और वो भी करियर की शुरुआत में। एनीवे, मैं पूछता हूँ अपने सर्कल में। थैंक यू सर। हाय सर। कथा, फाइनली कॉल तो उठाया तुमने। मुझे लगा तुमने गुस्से में आके फियान को फोन फेंक के मारा और तुम्हारा फोन ही टूट गया। नहीं, फोन ठीक है मेरा सर। ओ, तो बस पूरे अर्थकॉन को ब्लॉक कर दिया था तुमने? एनीवे, ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम ठीक हो या नहीं। मैं ठीक हूँ सर। गुड। अच्छा सुनो, तुम्हारा रेजिग्नेशन मिला मुझे और मैं उसे रिजेक्ट कर रहा हूँ। सर एसन सर, प्लीज आप उसे अप्रूव कर दीजिए। तो तुम सच में जाना चाहती हो? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.